MyCitySearch.com presents नारी शक्ति मिलिए कर्मठ एवं प्रेरणादायी नारी शक्ति। नारी शक्ति के प्रायोजक हैं आदर्श कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, गीतांजलि एजुकेशन अकेडमी। नारी शक्ति के सह प्रायोजक हैं अरुमा प्लीज, एकलव्य एकेडमी, द वर्ल्ड प्रो। धन्य धन्य नारी जीवन, औरों को ही तो अर्पण। धन्य धन्य नारी जीवन, औरों को ही तो अर्पण। अपने लिए तू सोचे ना। धन्य धन्य नारी जीवन, औरों को ही तो अर्पण। अपने लिए तू सोचे ना। नमस्कार, ये नारी शक्ति का तीसरा वर्ष है और नारी शक्ति को लेकर के ये जो कार्यक्रम हम यहाँ हमेशा आपके लिए आयोजित करते रहे हैं, वह नारी शक्ति की संघर्षमय गाथाओं को आप तक पहुँचाने के लिए एक प्रेरणादायक विशेष कहा जाए, जिसे कहा जा सकता है कि माँ है, बहन है, कई रूपों में नारी शक्ति का जो रूप होता है, दुर्गा शक्ति के रूप में भी अपने आप को इस संसार के अंदर परिलिष्ट करता रहा है। और नारी शक्ति के इस पहले कार्यक्रम में आज हमारे साथ में है, अपने संघर्षमय जीवन से लेकर आज तक इस शहर के अंदर अपनी विशेष पहचान रखने वाली सुश्री संतोष राठौड़। आज हम उनसे नारी शक्ति को लेकर उनके विचार जानना चाहते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को इस संघर्षमय जीवन से लाते लाते इस मुकाम तक वापस पहुंचाया। मैं सुश्री संतोष राठौड़ देवास में ही जन्मी। मेरे पिता श्री सज्जन सिंह राठौड़ इसी देवास में शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए और रिटायरमेंट भी यहीं से लिया। मैं भी अध्यापिका के रूप में शिशुविहार में पदस्थ हुई। बताएं किस रूप में आपने जीवन की शुरुआत की और किस प्रकार के स्ट्रगलों का आपको सामना करना पड़ा। जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे पिता एक मंझे हुए शिक्षक थे, उन्हीं के संस्कारों को पाकर शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी को करिकुलर गतिविधियां थी उनमें मैंने सतत भाग लिया और अपना करियर बनाना प्रारंभ किया। इसी बीच में सन 1984 में अनुदान प्राप्त संस्था शिशुविहार हाई सेकेंडरी स्कूल में 7 जुलाई को सहायक शिक्षिका के पद पर मेरी नियुक्ति हुई। वहीं से मेरा एक शिक्षक का जीवन प्रारंभ हुआ। कई वर्षों तक सतत विद्यालयीन सेवा के अलावा मैंने घर पर भी बच्चों को सभी विषयों का ज्ञान दिया। मेरा मूल उद्देश्य बच्चों को शिक्षा के तह तक ले जाना और उसके प्रत्येक बिंदु को प्रत्येक विषयगत समझ विकसित करना, ये मैं अपना कर्तव्य मानती थी। अतः मैंने सभी विषयों का अध्ययन कर उसका अध्यापन करवाया। आप बताएं ये जो परिवर्तन जो चालू हुआ और उसके बाद में किस प्रकार आपने स्ट्रगल प्रारंभ किया और क्या परेशानियां सामने आने लगी। अनुदान प्राप्त शिक्षक संस्था में नियुक्ति के समय हमें सरकारी शिक्षकों के समान ही वेतन प्राप्त होता था, लेकिन सन 2000 से यहाँ का जो अनुदान था वो समाप्त कर दिया गया और हमें ब्लॉक ग्रांट के रूप में बहुत कम राशि प्राप्त होने लगी। सन 1996 में मेरे पिता का भी देहावसान हो चुका था। मैं इस शिक्षा जगत में अपने आप को एकाकी मानने लगी क्योंकि मेरे मार्गदर्शक मेरे पिता ही रहे। उसके पश्चात भी मैंने कुछ वर्षों तक शिक्षक का कार्य निभाया, लेकिन जीविका निर्वाहन के लिए मुझे पर्याप्त राशि प्राप्त नहीं होती थी। अतः मैंने दूसरे कार्यों को भी तवज्जो देना प्रारंभ किया। समय समय पर मैं अपना कार्य क्षेत्र व्यापार से लेके बीमा क्षेत्र में सब में कदम रखा, लेकिन समय की कुछ ऐसा करिश्मा रहा कि वो मुझे मेरा हाथ थामने के बजाय सफलताएं मुझसे कोसों दूर जाने लगी। फिर भी मैंने
अपने आप में एक लक्ष्य रखा कि मैं अपने जीवों का उपार्जन और अपने माता जी के साथ रहकर देवास में ही अटूट विश्वास के साथ अपना स्थापत्य बनाए रखी। वह कौन सी शख्सियत थी जिसने आपको इस मुकाम तक पहुंचने के लिए हौसला अफजाई की? सन 2003 में 14, 15, 16 फरवरी को श्री रावतपुरा सरकार टोक कला ग्राम खंड में पधारे थे। वहीं मैंने उनके दर्शन किए और वहां से मुझे ऐसा लगा कि जीवन के प्रति मैंने आश्वस्त हो जाना चाहिए। मुझे कठिनाइयों को समस्याओं का समाधान खोजने में उन्हीं के आशीर्वाद ने मुझ पर बड़ी कृपा बनाए रखी और मैं निरंतर नए नए कार्यों, नए नए हौसले के साथ आगे बढ़ने लगी और पुनः अपने कदम जमाने लगी। आदर्श कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, आदर्श कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से रोजगार उन्मुखी कोर्सेज से बनाइए अपना कैरियर। NIIT से अधिकृत सेंटर आदर्श कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से कीजिए टेली ERP कोर्सेज। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल से मान्यता प्राप्त PGDCA DCA कोर्स के साथ ही महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय जबलपुर से मान्यता प्राप्त BA, BCom, BSc, BBA, MA, MCom, MSc इत्यादि में प्रवेश लीजिए। बेसिक कंप्यूटर कोर्सेज, DTP कोर्सेज के अलावा C, C++, HTML, Java, SQL, Oracle, वेब डिजाइनिंग के कोर्स कर चुने एक सफल करियर। गर्मी की छुट्टियों के लिए स्पेशल स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, सभी कोर्सेज के लिए प्रवेश प्रारंभ। प्रवेश हेतु संपर्क करें आदर्श कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, 234 MG रोड, रेड चीफ शोरूम के ऊपर, देवास। संपर्क 07272250662, मोबाइल 9691977121। गीतांजलि एजुकेशन एकेडमी उचित शिक्षा प्रदान कर बच्चों को वास्तविक यानी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सुशिक्षित, संस्कार तथा कर्मठ व्यक्तित्व प्रदान करता है। यह बच्चों का दूसरा घर भी कहलाता है क्योंकि यह टीचर्स द्वारा पेरेंटल केयर प्रदान की जाती है। ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश पर स्पेशल अटेंशन दिया जाता है। स्पोर्ट्स एंड फिजिकल ट्रेनिंग स्कूल के स्वस्थ एवं स्वच्छ वातावरण में दी जाती है। स्कूल पार्लियामेंट जो बच्चों के अंदर नेतृत्व एवं अनुशासन की भावना जगाता है। कल्चरल एक्टिविटीज एजुकेशनल बेस्ड होती है। डिजिटल एजुकेशन बच्चों को कॉन्सेप्ट समझने में मदद करता है। अतः अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए गीतांजलि एजुकेशन एकेडमी में प्रवेश दिलाएं। गीतांजलि एजुकेशन एकेडमी, आनंद ऋषि नगर, देवास, 9826211012545। प्रैक्टिकल के रूप में ऐसे कौन सा समय ऐसा रहा जब आपको ऐसे हताशा महसूस होने लगी? हमारा पूरा परिवार ही डायबिटीज जैसे रोग से ग्रस्त था। मेरे पिता भी लंबे समय तक बीमारी के पश्चात देवलोक गमन कर गए। मेरा बड़ा भाई विनोद सिंह राठौड़ कई माह तक पैरालिटिक होकर बेड पर रहा और कई क्षेत्रों में कई बैंकों से ऋण लेने के पश्चात उसकी डेथ हो गई। वो ऋण मेरे सिर पर ही था, अतः मुझे कई समस्याओं और कई क्षेत्रों से होकर गुजरना पड़ा, पर महाराज श्री के आशीर्वाद ने मुझे कभी थकने और हारना नहीं दिया। कोर्ट कचहरी से लेकर कोई भी कार्यालय मेरे लिए अछूता नहीं रहा और उसका मुझे समय समय पर मार्गदर्शन उनका मिलता गया और मैं आगे बढ़ती गई। और आज मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने हर क्षेत्र का ज्ञान उन्हीं के आशीर्वाद से प्राप्त किया है। वर्तमान में ऐसा कौन से कार्य हैं जो आप? मेरे साथ जिन बच्चों को मैंने स्कूल समय में पढ़ाया था वही आज महाराज श्री के भक्त बने हुए हैं। एक लंबी श्रृंखला के रूप में देवास में रावतपुरा सरकार के भक्त जाने जाते हैं। अभी कुछ समय पूर्व ही 15, 16, 17 फरवरी को देवास में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 3 दिन प्रवास पर महाराज श्री रहे। बताएं वह ऐसा कौन सा क्षण था जब दुख की घड़ी में आप काफी हताश महसूस कर रही थी और क्या परेशानियां? व्यक्ति के जीवन में दो ही क्षण याद रहते हैं, या तो अत्यंत वेदना का हो या अत्यंत खुशी का हो। मेरे जीवन में 12 अगस्त सन 2010 जब मेरे बड़े भाई श्री विनोद सिंह राठौड़ का देहावसान हुआ, मेरे अनुदान प्राप्त संस्था से भी मेरी सर्विस छूट चुकी थी,
मेरी मदर स्वयं हार्ट पेशेंट थी, 10 चक्का ट्राला जो जिससे हमारा घर चलता था वो भी चोरी हो चुका था, और उस ट्राले के लिए जिस मकान पर हम जिसमें रहते हैं निवास उस पर भी लोन लिया था, अतः उसकी डिक्री उसकी नीलामी भी आ चुकी थी। इन 4-5 घटनाओं से उस समय में इतना टूट गई थी, ऐसा लगा था कि सिर्फ आसमान की छत और धरा का बिस्तरा है जिस पर मैं अपनी माँ को लेके कहाँ जाऊँगी। उस क्षण मुझे अपने गुरुदेव श्री राउत सरकार का स्मरण हुआ और मुझे सब एक एक करके याद आने लगा कि ये तो सब छूट जाएगा, हमें आगे बढ़ना है, अभी भी हमारे सांसें चल रही हैं, इन चलती सांसों में ऊर्जा भरना है और आगे अपने जीवन को पुनः निर्मित करना है। ये मुझे प्रभु से प्रेरणा मिली और तुरंत मैंने अपने आप को संबल दिया। खुशी के वर्षण ऐसे कौन रहे जिसमें आप काफी प्रसन्न रही हो, काफी खुशी महसूस किया? हर रात के बाद एक सवेरा है और सवेरे का एक आनंद ही अलग होता है। वो सवेरा मुझे अपने सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में ही मिला, जब महाराज श्री की कृपा प्राप्त हुई और मैं उनसे लगातार मिलने लगी तो मुझे गुरु कृपा का एहसास महसूस होने लगा कि न कुछ करती हूँ और न कुछ कमाती हूँ, फिर भी काम चल रहा है, काम आप करते हैं, नाम मेरा हो रहा है। इस तरह इस क्रम में कई साल गुजर गए हैं और मुझे एक दिन भी उसके बाद पीछे पलट कर देखने का अवसर नहीं मिला, या मैंने कभी देखा नहीं अपने अतीत को जो काले स्याही के समान था। मैं अपने आगे आगे अपने भविष्य की ओर ही ताकती रहती हूँ और महाराज श्री के दर्शन का लाभ लेकर गुरु कृपा का पूर्ण आनंद उठाकर अपने जीवन को मैंने आनंदित कर लिया है और वो अचूक खुशी पाई है जिसे कई जन्मों का फेर भी लगा दिया जाए तो भी वो आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है जो मुझे मिला है। इन्हीं के आशीर्वाद से मैंने प्रयास करके कार्पस फंड स्कीम में पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का अर्जित किया, जो अब कुछ ही समय में बीना बाईपास पर तैयार होने जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि मैंने एक पैसा भी खर्च नहीं किया और न ही मेरा कहीं से उसमें कोई रिकमेंड लगी, सिर्फ प्रभु का आशीर्वाद मेरे साथ रहा और इस तरह से उन्होंने मुझे पुनः अपने जीवों को उपार्जन का साधन उपलब्ध कराया। संघर्षशील महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहें? जीवन में संघर्ष के बिना जीवन ही अधूरा है, संघर्ष है, काम है तो ही जीवन है, वरना व्यक्ति का जीवन निस्तेज है। जिस प्रकार से हमारी रीढ़ की हड्डी पूरा हमें सपोर्ट करती है जीने के लिए, शरीर के लिए, उसी प्रकार संघर्ष सपोर्ट करता है आगे जीवन को बढ़ाने के लिए। यदि संघर्ष नहीं है, आपने यदि कोई ऐसा स्ट्रगल नहीं किया है तो आपका जीवन उतना आनंदित और आह्लादित नहीं रहेगा। एक क्षण जब हम विचार करते हैं इसके फल पर तो संघर्ष से जो संघर्ष का सफर से गुजर कर हम समाधान की ओर जाते हैं और जब समाधान पूर्ण मिल जाता है और समस्या को दरकिनार कर देते हैं तब हमें लगता है कि वास्तव में हमने जीवन को जीत लिया। अतः कभी थकान, कभी हताशा और कभी डिप्रेशन में आने जैसी बातों को न सोचें और हर पल हर घड़ी एक नया जोश और नए उत्साह के साथ पुनः कार्य प्रारंभ करें। लक्ष्य को ध्यान में रखकर यदि आपने किसी कार्य का प्रारंभ किया है तो निरंतर ईश्वर की कृपा से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और अंततः सफल होंगे और एक मानव जीवन को सफल बनाकर सार्थक करेंगे। युवा लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहें? युवा बहनें जो आज के दौर से गुजर रही हैं, समय बड़ा नाजुक है और समस्याएं मुंह मार कर खड़ी हैं, इन समस्याओं से निकलने के लिए उनमें अवेयरनेस हो, अपने आप में इतनी समझ डेवलप हो कि जो अपराध वृत्ति बढ़ रही है वो किन कारणों से बढ़ रही है, उन अपराधों से यदि उन अपराधों का हम चिंतन कर लें, उन अपराधों को समझ लें तो निश्चित है कि हम अपराधों से को नजरअंदाज न करें और जो अपराध हो रहे हैं उसकी वस्तुस्थिति को समझें और उसका अध्ययन कर उन बातों से दूर रहें तो निश्चित है कि हमें कोई भी किसी भी तरह से परेशान नहीं कर सकता है और नहीं सता सकता है। यदि हमारा मार्ग ही प्रशस्त है तो आप ये सच मानिए कि प्रशंसा आपके कदमों में होगी, सफलता आपके कदम चूमेगी और गंतव्य मंजिल आपकी राह टकेगी। जो आज के समय में हम देख रहे हैं कई प्रकार का, उन प्रकारों का आप अध्ययन करें, उसके दुष्परिणाम देखें और उनसे दूर रहें इस पर, और अपने साथ अपने समूह में इस प्रकार की चर्चा को सदैव बनाए रखें।
इस प्रकार जो भी घटनाएं होती हैं उनको छुपाने की कोशिश ना करें, जितना हम उनको खुलकर शेयर करेंगे अपनी माँ ताजी के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने शिक्षक के साथ और हम जैसे लोग जो इस समय में आपको जरूरत के अनुसार गाइड कर सकते हैं मिलें, तो निश्चित है कि इन अपराधों से और अपराधियों दोनों से बचा जा सकता है और समय के साथ हम विजय प्राप्त कर सकते हैं और जो ये गलतियां कर रहे हैं उनको सबक भी सिखा सकते हैं। अरोमा 20 ब्यूटी केयर एंड सैलून आपकी खूबसूरती में लाए निखार। अरोमा 20 पर खास आपके चार्मिंग लुक के लिए है एंटी एक्ने ट्रीटमेंट, एंटी पिगमेंशन ट्रीटमेंट, स्किन लाइटिंग ट्रीटमेंट, स्किन फर्मिंग ट्रीटमेंट, फेशियल्स, वो भी आधुनिक सुविधाओं के साथ। इसके साथ ही अरोमा 20 का परमानेंट हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर रिबाउंडिंग और हेयर स्मूथनिंग से आप अपने लुक को दे सकती हैं एक स्पेशल टच। अरोमा 20 का ब्राइडल मेकअप होता है देवास में सबसे बेस्ट। अरोमा 20 ब्यूटी केयर एंड सैलून ओनली फॉर लेडीज, एक गोमती नगर, राजा टावर, एबी रोड, देवास। फोन 07272402777, मोबाइल 9907891777, 9009003111। वार्डरोब देवास में फैशन की एक नई पहचान। ब्रांडेड एवं इकोनॉमिक्स मेंस वियर के लिए अब आपका फाइनल डेस्टिनेशन होगा वार्डरोब, जहां खास आपके लिए उपलब्ध है जीन्स, टी शर्ट, शर्ट, ट्राउजर्स, पोलो जीन्स, चिनोस, मेंस वियर की परिपूर्ण रेंज, साथ ही आपकी पर्सनालिटी पर जचने वाले बेल्ट तथा परफ्यूम की एक्सक्लूसिव रेंज। वार्डरोब 4 अग्रोहा नगर, एबी रोड, डोमिनोज के सामने, देवास। वार्डरोब सिर्फ नाम ही काफी है। ये थी आज हमारे साथ सुश्री संतोष राठौड़, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के अंदर अपने जीवन में तरक्कियां प्राप्त की, परेशानियों के साथ में संघर्षपूर्ण जीवन जीते हुए आज वह इस मुकाम पर है जहां पर विषम परिस्थितियों के बाद उन्होंने अपने आप को संभाला। धन्य धन्य नारी जीवन औरों को ही तू अर्पण, अपने लिए तू सोचना।